ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पर जो बोर्ड में पूछे हुए हैं, ठीक है, इसके बाद आगे का पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। मेरे ख्याल से एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, चेक करो आप लोग, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से आप क्वेश्चन सिर्फ लिख लो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 ही है, दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8। तो सॉल्यूशन देखो, इसका रिलेशन दिया हुआ है आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, ए माइनस बी इज इवन, और सेट ए डिफाइन कर रखा है कि ये ए बी सेट ए का पार्ट है। ठीक है, सेट ए दे रखा है आपका 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, लेट ए ए बिलोंग्स टू आर, तो a माइनस ए जीरो है, a a a बिलोंग्स टू r मत ले लो, एक काम करो यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि ये तो प्रूव करना है ना आपको, प्रूव करना है, इसको ले लो लेट a a बिलोंग्स टू a। ठीक है, तो हमने ले लिया a कॉमा a, अगर एलिमेंट लिया तो a माइनस a इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, और जीरो को हम इवन कंसिडर करते हैं, ठीक है, विच इज इवन, राइट, देयरफॉर ए ए बिलोंग्स टू आर। मोहन समझ में आ रहा है, ए हमने कोई एलिमेंट कंसिडर किया जो सेट ए का एलिमेंट है, सपोज सपोज ए की वैल्यू हमने 2 लिया मान लो। ठीक है, तो 2, 2 अगर हम लेते हैं तो इसका जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को इवन कंसिडर करते हैं हम, 0 इवन नंबर में आते हैं। ठीक है, वैसे तो 2, 4, 6 इवन नंबर आते हैं, बट 0 जब भी आएगा 0 को हम इवन ऑड कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, विच इज इवन, देयरफॉर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, इस तरह से। ठीक है, तो अगर सेम एलिमेंट जो है वो रिलेशन का पार्ट है तो हम कहते हैं देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। नाउ सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी रिलेशन है का पार्ट है, इसका मतलब a माइनस b क्या है, इज इवन, इवन है। और a माइनस b अगर इवन है, a माइनस b अगर इवन है, मान लो 2m के फॉर्म में है, या ऐसे लिख लो, सीधा लिख लो a माइनस b इज इवन, देन b माइनस a विल आल्सो बी इवन। मान लो 2 और 4 लिया आपने, तो 2 माइनस 4, ठीक है, 2 माइनस 4 इवन है, तो 4, 2 भी इवन होगा। टू माइनस फोर की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई,
फोर टू अगर लेते हो आप तो फोर माइनस टू इसकी वैल्यू क्या होगी, टू होगी, दोनों इवन है, ठीक है। वन और थ्री लेते हो, वन थ्री लेते हो, वन माइनस थ्री एग्जाम्पल लेकर के भी आप शो कर सकते हो, उसके हिसाब से आगे जनरल एग्जाम्पल लेकर के करेंगे, उसके साथ आप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेकर के भी आप दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो वन माइनस थ्री क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसी तरीके से थ्री वन, थ्री माइनस वन टू है, विच इज इवन, ठीक है। Which implies B A also belong to R. Hence, relation is symmetric. Relation is symmetric. अब transitive के लिए let A B belongs to R and BC belong to R. तो AB belongs to R, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, AB belongs to R. इसका मतलब क्या हुआ कि A minus B equals to even number. A minus B even number होना चाहिए, तो even number है, तो इसको हमने मान लो 2m ले लिया। m क्या है, कोई भी integer है, m belongs to any integer, ठीक है। Also BC belong to R, BC हमने लिया हुआ है रिलेशन में, तो BC belong to R implies B minus C is even, B minus C is even. तो B माइनस सी को लिख लो आप, इवन अगर है तो इसको 2n लिख लो, 2n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। हालांकि यहां पर दो केसेस हैं, ठीक है ना, कि अगर ए बी आपका ऑड है तो हमने इवन का केस इसमें लिया है सिर्फ, ठीक है। ए बी अगर ऑड है तब भी इवन ही आएगा वैसे, और अगर ए बी इवन है तब भी ये इवन नंबर ही आएगा। दोनों केसेस को इंक्लूड करके कर रहे हैं, एडिंग वन एंड टू। वन एंड टू ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, फोर। आर इज ट्रांजिटिव, सिंस रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, transitive, therefore it is an equivalence relation. अगर तीनों होते हैं तो हम उसको equivalence relation कहते हैं, it is an equivalence relation. अगर कोई भी relation symmetric, transitive और reflexive तीनों अगर है तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हुआ, इसमें और भी पार्ट है, इसमें दिया हुआ था इक्विवेलेंस आपने प्रूव कर दिया, अब ये दिखाना है कि वन थ्री क्या था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन थ्री फाइव आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। तो वन थ्री फाइव अगर इसका हम रिलेशन निकालते हैं तो रिलेशन क्या बनेगा, वन वन, वन थ्री, वन फाइव, ठीक है, थ्री वन, थ्री थ्री, थ्री फाइव, और क्या बनेगा,
51, ठीक है, 53 और 55, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, यही होगा ना। अगर हम इसको कंसीडर करें सारे रिलेशन को, तो ये क्या होगा, क्या हो रहा है, अगर ये सेट ले लिया आपने, मान लो सेट सी ले लिया, ये रिलेशन आर सेट ले लिया, ठीक है, तो आर सेट में क्या मिल रहा है हमें, ए कॉमा बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए जो है वो भी आपका सेट, ये सी सेट ले लो, ए बिलोंग्स टू सी एंड बी आल्सो बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो अगर हम ए माइनस बी ले रहे हैं, तो ए माइनस बी जैसे वन वन लिया, तो वन माइनस वन जीरो, ये भी इवन है, वन थ्री लिया, वन माइनस थ्री उसका मॉड मॉडुलस वैल्यू टू आया, इवन है। तो इसमें से हम कोई भी अगर एलिमेंट ले लें, तो उसका जो डिफरेंस है वो क्या है, इवन है, ए माइनस बी इज इवन, देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 रिलेटेड टू ईच अदर, और उसी तरीके से 2, 4 अगर हमने डी सेट ले लिया, मान लो 2, 4 का, ठीक है, और इससे अगर हम रिलेशन बना रहे हैं तो क्या बनेगा, 2, 2, 2, 4, 4, 2 और 4, 4, टोटल नंबर इतने ही रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का, इसका हो या फिर इसका हो या फिर इसका हो, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है, मतलब इवन है। वी सी दैट द डिफरेंस इज इवन, ठीक है, सो 2, 4 इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, देयरफॉर 2, 4 related to each other. तीसरा क्वेश्चन था, तीसरा पार्ट, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 2, 4, तो 1, 3, 5 सी हमने लिया था, 1, 3, 5 और डी हमने लिया था 2, 4, तो अगर हम C क्रॉस D लेते हैं और इससे एक रिलेशन बनाते हैं, तो क्या बनता है, 1, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 4, मोहन ये समझ में आपको आ रहा है, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट में ले रहा हूँ, बाइनरी प्रोडक्ट, ये क्या करते हैं, 1 के साथ 2 लिया, फिर 1 के साथ 4 लिया, फिर 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 5 के साथ 2 लेंगे और 5 के साथ 4, ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या बाइनरी प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब इनका डिफरेंस देखो, इवन है या ऑड है, क्या है मोहन, इन सब का डिफरेंस क्या है, ऑड है या इवन है, आप नहीं है, अच्छा इशिता आप बताइए, क्या है डिफरेंस, ऑड है, हेंस नो एलिमेंट ऑफ सी रिलेटेड टू, एक प्रूफ करना था, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन में ना एक पार्ट और ऐड करते हैं, बोर्ड में कर चुके हैं, जहां पे इक्विवेलेंस क्लास निकाल ली,
बाकी काम तो आप लोगों ने जो किया बिल्कुल करेक्ट किया। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के बाद जब ये वाली पार्ट करना है हमने, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन, तो डायरेक्ट ना लेकर के हम ये काम करते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स ले लिया हमने बिलोंग्स टू ए सच दैट x1 belongs to R, ठीक है, मतलब x और 1 का रिलेशन दिखाना है। तो x1 belongs to R, इसका मतलब क्या हो गया कि x minus 1 जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, है ना। इवन नंबर क्या क्या है हमारा, 0, अच्छा मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, सॉरी इवन नंबर नहीं मल्टीपल ऑफ 4, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, ध्यान रखिएगा 0, 4, 8 और 12 तक लेना है हमने, क्योंकि ये सेट ए प्री डिफाइंड है। अब x माइनस 1 ले लिया हमने, तो इसका मतलब x माइनस 1 जीरो हो सकता है। अब यहाँ पर आप ये मत पूछने लगना कि सर ये एब्सोल्यूट वैल्यू है तो आपने डायरेक्ट x माइनस 1 कैसे ले लिया, क्योंकि बेटा इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू है इसलिए हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। दूसरा आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू 5 आ गया। और तीसरा आपका x माइनस 1 इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से x माइनस 1 इक्वल्स टू 12, हाँ 8 और 12 है, ठीक 8 है पहले 8, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से 9 आ गया आपका। दूसरा x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल्स टू 12 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारा जो 1 का रिलेशन आया वो क्या आया, एक तो आया 1 5, ठीक है, दूसरा 1 9, तीसरा 1 13, ये हमारा रिलेशन आया। तो 5 हाँ जी बेटे 13 जैसे वो जो वैल्यू मिली थी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सही बात है, क्योंकि 12 तक डिफाइन था, हाँ 12 तक डिफाइन था, तो नहीं ले सकते, करेक्ट है। मैं एक बार पिछली स्लाइड दिखा दूँ एक सेकंड के लिए बस। हाँ जी बेटा एक सेकंड के लिए पिछली स्लाइड दिखा दो। हाँ दिखा दो।